ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हाथरस के ततारपुर गांव में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा को संबोधित किया। दोनों दलों का दावा है कि उनके गठबंधन की ही सरकार बनने जा रही है। ऐसे में सपा कांग्रेस गठबंधन के लिए वोट मांगने का फैसला कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी किया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 20 फरवरी को रायबरेली में रैली को संबोधित करेंगी। हालांकि ये यूपी चुनाव में सोनिया की एकमात्र रैली होगी। गठबंधन में 105 सीट कांग्रेस को मिली है और साथ ही अमेठी और रायबरेली की सभी ज्यादातर सीटें भी कांग्रेस के ही पास है। हालांकि कुछ सीटों पर विवाद भी है। इस बीच जानकारी यह भी है कि प्रियंका गांधी भी 14 फरवरी से रायबरेली और अमेठी में प्रचार शुरू करेंगी। प्रियंका 14 से 15 फरवरी तक रायबरेली में प्रचार करेंगी, 16 से 18 फरवरी तक अमेठी में प्रचार करेंगी। राहुल गांधी 18 को रायबरेली में रैली करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को विधानसभा प्रत्याशियों की रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव सिर्फ विधायक चुनने के लिए नहीं है। इस अवसर पर श्री केशव मौर्य ने कहा कि सपा का कांग्रेस से गठबंधन होने के बाद भी अखिलेश की हवा निकल गई है। 14 साल की सरकारों में यूपी का विकास नहीं, जिनकी सरकार रही उनका विकास हुआ। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मोदी जी के एक भाई पेट्रोल पंप पर काम करते हैं तो एक भाई कबाड़ी का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि जनता समझ चुकी है, जो अखिलेश यादव अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। कांग्रेस का यूपी में कोई वजूद नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं आचार संहिता के चलते कुछ खुलकर नहीं बोल सकता हूँ। एक ही परिवार कह रहा हूँ, जाति नहीं, वरना मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। बाकी सब समझदार हैं, समझ लें। इनको जिताकर भेजना अब आपकी जिम्मेदारी है। हाथरस का विकास करना मेरी जिम्मेदारी रहेगी। श्री मौर्य ने कहा कि मोदी जी जो नोटबंदी की, उसके बाद मायावती ने जो गरीबों पिछड़ों का पैसा इकट्ठा कर रखा था वो सब निकल कर बाहर आ गया। मायावती का हाथी नोटबंदी के बाद भैंस से भी छोटा हो गया। मोदी जी ने 500 और 1000 के नोट को बंद कर दिया। बहन मायावती जी बहुत घबरा गई, बड़ा नोट इकट्ठा किया तो उसका हाथी जो था गरीबों के वोट बेच करके जो नोट इकट्ठा था खा खा के बहुत मोटा हुआ था। मोदी जी के एक फैसले से उनका हाथी भैंस के बच्चे से भी छोटा हो गया। बेचैन हो गए। मोदी जी ने बहुत गलत काम किया। मोदी जी गलत किए क्या? नहीं। जी करे गलत किया, अखिलेश यादव जी करे बहुत गलत काम किया। अखिलेश जी अगर आपने उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं फैलाया होता, आपने एक्सप्रेस वे में घोटाला नहीं किया होता, आपने मेट्रो में घोटाला नहीं करवाया होता, आपने नेफेड में घोटाला नहीं करवाया होता, आपने भर्तियों में बेईमानी नहीं करवाई होती, तो आपके पास गलत तरीके का पैसा नहीं होता। और गलत तरीके का अगर आपके पास पैसा नहीं होता तो मोदी जी के फैसले में कोई उंगली उठाने वाला नहीं लगा सकता। वोटों को बेच करके भी जो नोट इकट्ठा करती है वो बहन जी नारा लगाया करती थी कीचड़ गुंडे की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। आज सारे गुंडे अपराधी उनके हाथी पर सवार हो गए। आज आम आदमी डरने लगा है। बसपा का पूरी तरह से यूपी से 2014 की तरह सफाया होने जा रहा है। और यह लड़ाई केवल 2017 की नहीं है, ये लड़ाई 2019 की भी है। सारे विरोधी मिलकर के चाहते हैं कि 2019 में जब लोकसभा चुनाव हो तब मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनने से अगर नहीं रोका गया तो कांग्रेस सहित या जो गरीबों के हित में काम करने का विरोध करने वाले राजनीतिक दल हैं उनको पता है कि मोदी जी एक बार अगर और आ गए तो दोबारा किसी को आने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए 2017 की लड़ाई नहीं है, ये 2019 की भी लड़ाई है। और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को देश का नंबर एक राज्य बनाने की क्षमता रखती है और ये वादा भी हम आपसे करते हैं। सपा और कांग्रेस के गठबंधन के बाद अब दोनों पार्टियों ने कड़ी टक्कर देने का दावा किया है। यह उत्तर प्रदेश का भविष्य बदलने के लिए है। सपा वालों को 5 साल का हिसाब देना चाहिए। इस रैली में केंद्रीय पर्यटन एवं सांस्कृतिक राज्य मंत्री महेश शर्मा, विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह, पार्टी महासचिव स्वतंत्र देव समेत पार्टी के कई नेता मंच पर उपस्थित रहे। नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के मुखिया अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। पिता चाचा बहुओं भाइयों और भतीजियों का क्या क्या किया यह उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। वक्त की मांग है कि सपा सरकार ने पिछले 5 वर्ष में क्या काम किया, लोगों को उसका जवाब चाहिए। मोदी ने कहा कि अखिलेश
मुझसे हिसाब मांगते हैं। मैं आगामी लोकसभा चुनाव 2019 में समस्त हिसाब दूंगा। अखिलेश 5 वर्ष के कार्यकाल का हिसाब दें। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में भी उत्तर नहीं देते तो यूपी को उत्तम प्रदेश कैसे बनाएंगे। मोदी ने गाजियाबाद की जनता का आभार व्यक्त और क्षमा मांगते हुए कहा कि इतनी भीड़ है कि मैदान छोटा पड़ गया है, आपको असुविधा हुई इसके लिए क्षमा मांगता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि ग्राउंड से दूर जो भीड़ है और अनुशासन से बैठे हैं, मैं उनका भी आभारी हूं। प्रधानमंत्री ने मायावती पर निशाना साधते हुए कहा कि बसपा सुप्रीमो का एक खासम खास जो घोटाले में लिप्त था, मोदी ने चुटकी लेते हुए कहा कि केंद्र में मोदी और सीबीआई ने उसे जेल में ठूसने का काम किया है। उन्होंने अखिलेश सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सपा के राज में योग्यता के आधार पर नौकरी नहीं दी जाती, भर्तियों में घोटाले हुए हैं, योग्य व्यक्तियों को नौकरी नहीं मिल रही है, सत्ता में आने पर इन घोटालों की जांच की जाएगी। बीजेपी के घोषणा पत्र के बारे में मोदी ने कहा कि यह बीजेपी का संकल्प पत्र होता है, हमने जो वादे किए हैं उनको पूरा करेंगे। केंद्र सरकार ने कई नौकरियों में इंटरव्यू समाप्त कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद हमारी बात नहीं मानी गई। दरअसल इसी से भ्रष्टाचार पैदा होता है और अपने पराये का भेद किया जाता है, इसीलिए राज्य से अभी परीक्षाओं में इंटरव्यू की व्यवस्था समाप्त नहीं हुई है। मतदान के ठीक पहले मायावती की पार्टी बीएसपी को उलेमा काउंसिल का समर्थन मिला है। काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रशीद ने बसपा महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बसपा को समर्थन देने का ऐलान किया। इस नए ऐलान के बाद विपक्षी दलों की मुश्किलें बढ़ सकती है। उलेमा काउंसिल ने बीएसपी के समर्थन में अपने सभी 84 उम्मीदवार चुनाव मैदान से हटा लिए हैं। उलेमा काउंसिल का कहना है कि मुस्लिम वोटों में बंटवारा ना हो इसलिए ये फैसला किया है। पूर्वांचल में उलेमा काउंसिल की मुस्लिम वोटरों पर पकड़ मानी जाती है। खबर ये भी है कि इमाम बुखारी भी मायावती के लिए समर्थन का ऐलान कर सकते हैं। इस बीच काउंसिल ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में मुसलमानों के लिए बेहतर कोई काम नहीं किया है।
लिहाजा वह आगामी विधानसभा चुनाव में बसपा का समर्थन करेगी। मौलाना ने कहा कि उनकी पार्टी ने 84 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी तय किए थे, लेकिन अब उनमें से कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे और पूरी तरह से बसपा का समर्थन किया जाएगा। यूपी में पहले दौर के चुनाव के लिए प्रचार खत्म हो रहे हैं। पहले दौर में पश्चिमी यूपी के 73 सीटों पर शनिवार को वोट डाले जाएंगे। चुनाव से पहले नेताओं ने एक दूसरे पर वार और पलटवार किए हैं। पश्चिमी यूपी का चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि यहां 26% मुस्लिम वोटर हैं। यही वजह है कि चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम का नारा खूब सुना गया। पश्चिमी यूपी में चुनाव से पहले हर पार्टी ने वोट के लिए पूरा दम लगाया। धर्म जाति विकास का हर कार्ड खेला गया। अब इन वादों नारों के शोर के बीच जनता के फैसले की घड़ी आ गई है। शनिवार को पश्चिमी यूपी की 73 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। बड़ी बात यह है कि इन 73 सीटों पर 26% मुस्लिम वोटर हैं। मेरठ और उसके आसपास के इलाकों में मुस्लिम आबादी 35 से 45% है। इसी समीकरण को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी यूपी की कुल 140 विधानसभा सीटों पर बीएसपी ने 50 उम्मीदवार उतारे हैं। एसपी कांग्रेस गठबंधन भी 42 मुस्लिम उम्मीदवारों के साथ यहां के चुनावी मैदान में है। दिलचस्प बात यह है कि पश्चिमी यूपी की कुल 140 में से 26 सीटें ऐसी है जहां एसपी और बीएसपी दोनों की तरफ से मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। सिकंदरा राव के नावली में गाँव के ही लड़के ने 7 साल की लड़की को बनाया हवस का शिकार। सिकंदरा राव के गांव नावली में एक दरिंदे ने 7 साल की बच्ची को अपना हवस का शिकार बनाया। यह लड़की अपने माता पिता के साथ खेत पर काम करने के लिए गई थी और यह लड़की को कुछ देर अकेला देखकर गांव के ही दरिंदे लड़के ने उसको अपने हवस का शिकार बनाकर उसका बलात्कार कर दिया। कैसे, किसके साथ हुआ? कितनी बड़ी है लड़की? 7 वर्ष की लड़की। क्या इस समय कहाँ कहाँ गई थी? ये खेत पर। लड़का कौन था? पिताजी का नाम? मोरत। निवासी? नावली का लड़का था। तो उसने इसके साथ बलात्कार किया है? बलात्कार कर दिया। तो फिलहाल के लिए यूपी स्पेशल में बस इतना ही और तमाम बाकी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार टाइम 24।